चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम आपको डीएलएफ स्टॉक पे चर्चा पे एनालिसिस करेंगे। डीएलएफ किस तरीके से ट्रेंड बिहेव कर रहा है और इस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए उसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि हम इस वीडियो में ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से स्टडी कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और इसको एज फॉर एनालिसिस पर्पज से ही इस व्यू को यूज करें। तो ये आपने डीएलएफ का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट, और इसकी हमने पहले एनालिसिस भी किया था। और इसका जो टारगेट था 232 का हमने टारगेट दिया था, 194 के लो के बेसिस पे 13 तारीख को जो बॉटम बनाया था उसके बेसिस पे जो हमारा अप ट्रेंड का जो टारगेट था 28 नवंबर तक का टारगेट था 232 का, और वहीं उसी के आसपास इसने हाई बनाया 2-4-5 रुपया पैनिक हाई, उसको वर्चुअल हाई बोलते हैं। उस लेवल पे उतना सस्टेन होने की वो गारंटी नहीं होती है, तो इसलिए ये 2-3-4-5 रुपये ऊपर या नीचे की तरफ बॉटम के केस में भी और टॉप के केस में भी ऊपर या नीचे के तरफ से रिवर्स कर सकता है। तो इस तरीके से हम आज डीएलएफ को यहाँ से डाउन साइड देख रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर लेवल के बेसिस पे, और ये चार्ट के बेसिस पे भी आपको मैं दिखाऊं तो ये कंप्लीट आरएसआई डाइवर्जन कर रहा है। आरएसआई डाइवर्जन जिनको नहीं पता उनको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्राइस जो है हायर हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई जो है लोअर लो लोअर हाई डेवलप कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये 217 के हाई जो 16 नवंबर को बनाया था उसके बेसिस पे आरएसआई बिल्कुल 80 के लेवल पे था, लेकिन अभी हम 237 का हाई बनाया है लेकिन आरएसआई 66, 67, 70 के आसपास है। इसी को बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जन, मतलब आरएसआई ने अपना हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है और एक टॉप फॉर्मेशन की तैयारी कर चुका है, इसलिए आरएसआई डाइवर्जन भी शो कर रहा है। एमएससीडी भी बेयरिश पैटर्न डेवलप कर चुका है, लेकिन कभी भी स्टॉक ऊपरी लेवल से गिरने में बहुत टाइम लेता है और नीचे से ऊपर जाने में भी टाइम लेता है। तो टॉप आउट और बॉटम आउट फॉर्मेशन में स्टॉपलस जो होता है डीपर स्टॉपलस होती है। तो आप अगर किसी स्टॉक को ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हायर स्टॉपलस होता है, जिसमें लोगों के स्टॉपलस ट्रिगर होने की चांसेज होती है। इसलिए स्टॉपलस या तो डीपर स्टॉपलस जो लगा सकते हैं उन्हीं को इस तरीके के स्टॉक में सेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो बीच में सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो मिलता है उसमें तुरंत प्रॉफिट तुरंत टारगेट आने की चांसेस होती है, लेकिन उसमें टारगेट जो है बहुत ही लो नीचे के लेवल पे मिलता है। और लेकिन हायर लेवल पे अगर आप सेल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक में आपने अमर राजा बैटरी को भी मैंने बाई कराया था तो उसमें डीपर नीचे चला गया था, 30-40 रुपये नीचे गया था और वहाँ से 150-200 रुपये की चाल आई थी ऊपर की तरफ। तो इसी तरीके से ऊपरी रेंज में भी हो सकता है 130 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये 238-240 भी चला जाए तो उतना जिसके पास डीपर स्टॉपलस लेने की हैसियत है और कैपेसिटी है तो ही आप ऐसे इस टाइप के स्टॉक को सेल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अब हम देखते हैं गैन टाइम साइकिल एनालिसिस के बेसिस पे इसका टारगेट क्या निकल कर क्या है और कौन से प्राइस से ये गिरेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने की चांसेस है। तो इसने मिनिमम जो ये 237 रुपये का चाल आया है वहाँ से मिनिमम ये 38% रिट्रेस करेगा 221 रुपये तक, और 221 रुपये पे आकर के दोबारा से डबल टॉप बनाने की भी इसने कोशिश किया है। आप देखेंगे 221 रुपये उसी दिन आया और फिर ये दोबारा से डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हायर रेंज पे मिलता है या इस रेंज पे भी डीपर स्टॉपलस लगा के सेल की जा सकती है, जिसका टारगेट 38% तो मिनिमम है ही, 50% 215 और 62% 210 और 78% 203। अगर स्टॉक ये अप ट्रेंड में है तो मैक्सिमम करेक्शन 203 रुपये तक हो सकती है और सेफर करेक्शन 215 रुपये तक होना ही चाहिए एज फॉर एनालिसिस। और गैन एंगल से इसका जो डेट निकल कर के आया है, पहला डेट है
8 दिसंबर, दूसरा डेट है 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर के पहले इसमें बॉटम बन जाना चाहिए और 8 दिसंबर के और 15 दिसंबर के बीच में एक बॉटम बनना चाहिए। लेकिन इसका जो प्राइस रेंज है 229 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो 222 इसका एक सपोर्ट लाइन है, 222 को तोड़ देगा तो तुरंत ये 215 और 207 की तरफ आने की तैयारी करेगा। तो इस तरीके से 222 एक मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट लाइन है, इसको तोड़ते ही 215 207 की तरफ जाने की तैयारी करेगा। तो ये रहा हमारा आज का स्टॉक पे चर्चा, DLF, जिसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लिया जा सकता है एज फॉर एनालिसिस। और आप जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ट्रेड करें। तो आज के लिए स्टॉक रहा, अगर आपको ये मेरा चैनल या वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।